राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम टू राधिका जहरा चैनल। आज मैं जा रही हूँ राधा रानी के धाम, श्री बरसाना धाम, राधा रानी के चरणों में उनके दर्शन करने के लिए। कल मैं प्रेम मंदिर गई थी, आपको दर्शन करवाए मैंने। अभी हम निकल गए हैं बस अपने राधा रानी जी को दर्शन करने। और पता है, हाँ, मैंने अपने ठाकुर जी को भी ले लिया है। मैं अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी उनको भी घुमा लाती हूँ, उनको भी अच्छा लगेगा ना। तो आज काफ़ी टाइम है मैं बरसाने जा रही हूँ। अभी लास्ट टाइम मैं बरसाना गई थी, उस दिन मेरे दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुँचे थे। जब मैं घर गई थी, दर्शन नहीं हो पाए थे। टाइमिंग शाम को 5 बजे मंदिर के पट खुलते हैं, पर कोई बात नहीं, राधा रानी ने जल्दी कृपा करी मेरे ऊपर और जल्दी मुझे बुला लिया है। और देखो मेरे ठाकुर जी और मेरी राधा रानी, इनको लेके जा रही हूँ मैं, इनको भी दर्शन करवाऊँगी अच्छे से। तो अभी हम चल निकल गए और आपको मैं पूरा बरसाना टूर करवाती हूँ। ओके, ट्रैफिक हो रहा है वृंदावन में, देखो बहुत भीड़ है। प्रेम मंदिर के पास हम आ गए, प्रेम मंदिर के पास भीड़ देखो कितने सारे हो रही है। काफी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं वृंदावन में। वैसे भी किसी भी टाइम आप आइए, हमेशा आपको इतना क्राउड मिलेगा चारों तरफ, बहुत ही ज्यादा। अभी भी यहाँ पे जाम लगा हुआ है, प्रेम मंदिर के पास ही है ना, क्योंकि प्रेम मंदिर इतनी सारी भीड़ है। ये मेरे जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा बनवाया हुआ प्यारा प्रेम मंदिर, जो विश्व में बहुत फेमस है। देखिए, ये वृंदावन स्वर्ग है, जो गोलोक हमारी राधा रानी का हृदय है। वाकई में वृंदावन बहुत सुंदर है। गौ रक्षा करे, गौ सेवा करे, यही हमारा प्रधान हम लोगों की प्रायोरिटी होना चाहिए। अभी आने वाला है कमल मंदिर, श्री प्रियाकांत जू भगवान का मंदिर। उसके बाद आएगा हमारी माता का मंदिर, दिखाऊंगी अभी। मैं अपने हर ब्लॉग में सबसे यही कहती हूँ, गौ माता की रक्षा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, गौओं का हरा हरा चारा खिलाइए, सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। अभी कमल मंदिर आ गया, आपको दर्शन करो। ये हमारे श्री प्रियाकांत जू भगवान का मंदिर है, कमल मंदिर, जो श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। अभी आ गया हमारी माता वैष्णो देवी का मंदिर, जो बहुत, ये भी काफी फेमस है, बहुत सुंदर है, अच्छा है, दिखाती हूँ मैं। देखिए माता दिख रही है, बहुत बड़ी मंदिर, माता की मूर्ति बनाई है। ये देखिए माता वैष्णो के मंदिर, कितनी बड़ी मूर्ति है। कहते हैं ना कि चारों धाम हमारे वृंदावन में बसे हुए हैं, सब मंदिर, सब धाम, सब तीर्थ हैं यहाँ पर। बोलो वैष्णो माता की जय, जय मेरी मैया, मेरो वृंदावन, हमारा स्वर्ग का दरवाजा। अब जा रहे हैं हम फ्लाईओवर, फ्लाईओवर पे जैसा कि सबको पता है, यहाँ पे कितना सुंदर पेंटिंग बनाया हुआ है ठाकुर जी का, कृष्ण लीला सामने। गौ चारण, श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाते हुए गैया मैयाओं के साथ, नागदेव, ये हमारे ठाकुर जी काली नाग पे दर्शन कर रहे हैं, उनका वो उनका उद्धार कर रहे हैं। और ये देखो आप साथ साथ ये भी देखें कि कितनी भीड़ हो रही है वृंदावन में। राधा कुंड गोवर्धन, अपने बरसाना की तरफ हम निकल रहे हैं,
गोवर्धन 20 किलोमीटर। देखिए हमने राधा रानी के एरिया में एंटर कर दिया। राधा रानी का तो ब्रज खैर पूरा ही है, पर उनके गांव, राधा रानी के गांव में हम निकल आए हैं। बहुत भीड़ है चारों तरफ, इतनी सारी गाड़ियां हैं, खूब भीड़ है भाई। आप सबको भी जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे दर्शन करना चाहिए। मैंने कभी 84 कोस की यात्रा नहीं किया, मेरा बहुत मन है वो करने का। मैंने देखा था कि देवी चित्रलेखा जी हर साल 84 कोस की यात्रा करती है, जिसमें वो सारे तीर्थ घूमती हैं, वृंदावन, मथुरा और ये जितने भी पूरा ब्रज में हमारे सब भगवान ठाकुर जी हैं बैठे हुए हैं, उन सबका दर्शन करते हैं। तो मैंने कभी की नहीं है, मेरा मन है करने का इसी जन्म में। कहते हैं ना कि ज़्यादा विश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको बार बार योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, इस बार इस जन्म में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगले में तो देखा जाएगा। सुंदर व्यू राधा रानी के धाम, हम चल दिए हैं उनके दर्शन करने के लिए। कितना प्यारा लग रहा है ना, चारों तरफ हरियाली हरियाली पौधे। यहाँ पे खेत वेत भी हैं सरसों के, देखो गोभी खाए जा रही हैं गाऊ गऊ का चारा लेके। बरसाना 17 किलोमीटर दूर है, साथ में नंदगांव भी है 22 किलोमीटर की दूरी पे। हमने रेल की पटरी क्रॉस कर दी है और शायद से एक और है आगे। वेलकम टू बरसाना, सभी भक्तजनों को बरसाना धाम में स्वागत है। देखो कुटिया ढाबा बना हुआ है, गैया मैया भी हैं यहाँ पे। अंकल जी वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं इनको, वो चुर्री सी होती हैं खाने की पापड़ से। ये रेलवे स्टेशन, मतलब स्टेशन नहीं सॉरी पटरी, देखो जा रही है पटरी। टाटा बाय बाय, राधे राधे बोलो बरसाने में डोलो, राधे राधे बोलो बरसाने में डोलो। बरसाना में 17 किलोमीटर की दूरी पर है हम, राधा रानी के चरणों में आ गए हैं हम। राधे राधे बोलो बरसाने में डोलो, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें, राधा रानी आपके ऊपर खूब खूब कृपा करेंगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। न्यू व्यूअर्स आते हैं मेरे चैनल को देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राधे राधे बोलिए। बरसाना 15 किलोमीटर और यहाँ पे कोकिला वन यानी कि शनिदेव मंदिर, महाराज जी का उनका मंदिर भी है यहाँ पे, हम गए थे एक बार। गाँव है यार, हाँ मैं कोकिला वन हाँ। दो तीन बार हुआ है यार। राधे राधे, हम बरसाने धाम में पहुँच गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ भी हो रही है। बस हम राधे रानी के वो जो बड़ा सा एंटर गेट है ना, उस पर हम जा रहे हैं उधर की तरफ। मेरा भाई कुणाल लेकर आया हम सबको। इतनी सारी भीड़ हो रही है बरसाने में भी, काफी सारा ट्रैफिक हो रहा है। नहीं ना भैया, गरम गरम मूंगफली सेक रहे हैं, बाबा जी इतने जा रहे हैं कुछ। राधे राधे बाबा, अमरूद है, गरम गरम मूंगफली खा लो। पृथ्वीराज चौहान सामने दीदी बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। देखो बोली अटरिया हमारी राधा रानी की, वहाँ पे हम अटारी पे जाएंगे और वहाँ पे कीर्तन करेंगे। आप सबको भी आना है, आना चाहिए, राधा रानी के टरिया पे आइए, बहुत सारा कीर्तन कीजिए, उनको रिझाइए, उनको मनाइए कि आपके ऊपर कृपा करे राधा रानी। थोड़े से ही उनको मनाने से, उनके भजन गाने से, कीर्तन करने से वो जीत जाती है, वो खुश हो जाती है। राधा रानी हमारी बहुत करुणावान है, करुणामयी है। मेरी मम्मी भजन गा रही है राधा रानी के लिए। तो सीधे पहुंच गए जान।
प्यारो बरसानो। अंकल जी ने बोला है कि मंदिर अभी बंद है तो इधर से गाड़ी नहीं जाएगी, तो हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। यहाँ से गाड़ी निकाल ली है, हमने मोड़ लिया। ये तो कोसी छाता जा रहा है ये वाला रास्ता। अभी हम वापस इस वाले रास्ते से घूम कर जाएंगे राधा रानी मंदिर का। ये पहाड़ी मार्ग तो हम जा रहे हैं इधर पहाड़ी मार्ग से घूमते घूमते हम जाएंगे बरसाना अपनी राधा रानी के पास। कौन सा गेट है वो? चौपाल है। बोला ला मैं पहुंच गया हूं। तो हमें अरे मैं पहुंच गया हूं। गाय भैंस सब है, बछड़े बच्चा छोटा सा बच्चा पहुंच गए तो पहुंच जाएंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कभी शहर ऐसी बिल्डिंग ना बने, ऐसे ही रहे हमारे राधा रानी का जैसा था, छोटी छोटी सी कुटिया रहे, धाम की जैसा ही अच्छा लगता है। अब यहाँ से हम जाएंगे राइट लेफ्ट घर पे आते 2 बजे उपले पर्वत पे, वहाँ पे उपले बनाए कितने सारे गोपियों ने गाय के गोबर से। कितना प्यारा है, इधर उधर वो कुट्टी काटने की मशीन भी लगाई हुई है और वहाँ पे एक अम्मा भी बैठी हुई है ऊपर के साइड पे। कितना सुंदर लग रहा है ये, अम्मा कहाँ बैठी है ऊपर कोने पे। हेलो अम्मा राधे 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 मैया कुछ कह रही है। कहाँ से आई है? नहीं वृंदावन से आए मैया। आप यही क्यों? अच्छा राधे राधे मैया। ये मैया बरसाने की है, क्या पता राधा रानी का कोई जो राधे राधे। हम पहाड़ी पहाड़ी रास्ते से जा रहे हैं ऊपर मंदिर पे। बहुत सारा हमको जाम मिल गया है, काफी देर तक तो कुणाल ने निकाली है गाड़ी, यहाँ फिर से जाम हो गया है। लाला बलंग लाला। तो हम जा रहे हैं ऊपर अपने बरसाने पे। यार बहुत भीड़ है। गहरवर परिक्रमा मार्ग 250 मीटर। देखो दिखा मंदिर गोरा हमारा मंदिर। बोलो राधा रानी की जय। गाड़ी पहाड़ पे ले बरसाने की कुंज गलियां, बरसाने की छोटी छोटी कुंज गलियां। लोग बैठे हुए हैं, कुछ बातचीत हो रही है। ताऊ राधे राधे, ताऊ जी राधे राधे। किधर की गाड़ी? मंदिर जाने का रास्ता इधर 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 ये रहा। आज भी गांव में बैठ के देखो आराम से सब मिलके घर सब घरों के लोग बैठ के बातें करते हैं। शहरों में ऐसा कहाँ होता है, शहरों में तो कोई बात भी नहीं करता। अब चढ़ने वाले हैं, हम चढ़ गए ऊपर। इस रास्ते पे ना पहाड़ी इलाके पे हम मैं आई थी, बहुत इतना सुंदर आ रहा है देखो। इस रास्ते पे ना मैं पापा के साथ 7 साल पहले आई थी पहाड़ी रास्ते से बरसाना मंदिर में, क्योंकि आप काफी टाइम बाद मैं इस रास्ते से आई हूँ। अच्छा लग रहा है दीपू तुझे? दीप्ति कह रही दीदी बहुत प्यारा लग रहा है। राधे 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 राधे। पौधे कितने सुंदर, बच्चा खेल रहा है। कुछ रुके हम फोटोज क्लिक करें यहाँ पे। आगे खड़े थे हमने फोटो करवाए, मो ध्यान है। हाँ हाँ ये वही हाँ। तो है मम्मी हाँ, यही तो मैं कह रही थी हमने फोटो करवाए। काफी भीड़ है इधर भी, सुंदर रास्ता है। पहाड़ी वाले रास्ते से सबको आना चाहिए वैसे। एक बार ही उधर रास्ते से जाओ, एक बार इधर के रास्ते से आओ। और ये मंदिर भैया थोड़ा सा नाश्ता कर ले, फिर नाश्ता करने के बाद हम घूमेंगे। फिलहाल हमें खिला रहा है क्या, ब्रेड पकौड़े देखते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या है। ब्रेड पकौड़े सीख रहे हैं, ये हरे हरे पकौड़े हैं, फ्राइज है। कितनी आती है?
ब्रेड पकौड़े बड़े हैं। और कुणाल बोल रहा है कि मंदिर दिखाओ, ये हमारा मेरा मंदिर। और गाड़ियाँ देखे कितनी सारी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, पता नहीं एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी खड़ी करेंगे क्या। जैसे कि कुणाल कुछ सोच रहा है, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। मम्मी हमारी शॉल ओढ़ रही है, जैसे कि पता नहीं कितनी ठंड पड़ रही है, उनको बहुत ठंड लग रही है। चाय भी बन रही है यहाँ पे, चाय मुझे पसंद नहीं है लेकिन इसीलिए मैं चाय नहीं पीऊँगी। कुणाल कुछ तो मैं तो उसे और का कह रही पीछे गाड़ी, मैं कुणाल से कह रही हूँ कि अपनी गाड़ी को आगे खड़ा कर ले क्योंकि पीछे खड़ी हुई है। अगर आगे कोई गाड़ी खड़ी होगी तो हम कैसे निकालेंगे गाड़ी। वो कहता रहा कि मैं सब कर लूँ। मेरे ठाकुर जी को गाड़ी में बिठा दिया है, थोड़ा सा वो आराम कर रहे हैं ताकि उनको कोई छेड़े ना, इसीलिए वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, कुछ बातें कर लेंगे। कुणाल बुला रहा है, हाँ मेरा फ़ोन चला रहा है, इसको अभी कोई पड़ी नहीं है खाने पीने की। मेरी मम्मा का खाने पे बहुत ज़्यादा फोकस है, खाने पे ध्यान है इनका, ब्रेड पकौड़े खा रही हैं। डिम्पी को भूख ज़्यादा लगी थी। दीप्ति अच्छा लग रहा है, थोड़ा पेट में आराम मिल रहा है। कुणाल चलते फिरते ठंडी ठंडी हवा में खा रहा है। मेरे ठाकुर जी को भी मैंने दे दिए थे, उनको भोग लग रहा है। अम्मी ठाकुर जी देखो, ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। अभी मैं खाऊंगी इन सबको प्रसाद देने के बाद। बोलो राधा रानी की जय। ठाकुर जी मेरी कोटी में आके कैप लगा लगा के बरसाना, वो ही का कह रहे हैं बेरिया, वो मेरा हमारा दर्शन का। अच्छा ओके, अरे हम कुछ जानते नहीं है, भैया कह रहा है तुम कुछ जानते नहीं हो, हम तुमको दिखा रहे हैं बरसाना, तुम हमारी बात देखो। ज्ञान का देखो तुम, बरसानों लगे, बरसानों लगे मोहे प्यारो, किशोरी तेरे बरसाने। बरसाना का व्यू कितना सुंदर, बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो, बरसाने में डोलो, बाबा जी की जय। कीर्ति मंदिर देख कितना सुंदर बन रहा, कितना प्यारा मंदिर है ना, कीर्ति मंदिर बहुत सुंदर है ये भी। साना मंदिर हम गए थे अभी, तो अभी वहाँ पे पट बंद है, तो इसी बीच हमने प्लान बना दिया कि हम चलते हैं नंदगांव। नंदगांव से थोड़ा वहाँ पे भी मंदिर बंद है वैसे तो, लेकिन भवन का तो खुला हुआ है। नंदगांव जा रहे हैं, उधर से होके फिर हम जाएंगे वापस अपने बरसाना राधा रानी के पास। वैसे मुझे राधा रानी के पास ही रुकना था, वहाँ पर कीर्तन होना था, कोई बात नहीं। अरे हम जा रहे हैं नंदगांव, आप सब लोग भी थोड़ी मदद कीजिए। मम्मी हमारी बेचारी बहुत धीरे धीरे चल पाएंगी भारी वक्तम शरीर हमारा, हमारा हमसे चलेंगे अगर दौड़ेंगे तो थक जाएंगे। बेचारी थकी आ रही थी, आ रही है अगली बार से। ये देखो व्यू यहाँ का, चलो चलो नंदगांव का सुंदर है, काफी थक रहा है। मम्मी तो चलो ठीक है, मम्मी बहुत थक गई है, धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर भी कुणाल कह रहा है कि रुको मत, रुकने से ज्यादा थकेंगे। ज्यादा आगे मत बढ़ो, क्यों क्यों मम्मी थक गई है, हवा पुराने पुराने घर से खाए आगे। Oh,
चप्पल उतार देते हैं क्योंकि चप्पल ऊपर नहीं जाएंगी। नंदगांव मंदिर में हम आ गए, बहुत सुंदर लग रहा है महल, कितना प्यारा है। ऊपर छत पे भी जा सकते हैं, ऊपर अटारी बनी हुई है, अटारी पे भी दर्शन कर सकते हैं। भवन में है, नंद भवन के सुंदरता कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है, पूरे चारों तरफ मोर ही मोर है, ठाकुर जी हैं, मेरी मैया ठाकुर जी को लेके खड़ी हुई हैं, ऊपर ठाकुर जी को देख रही हैं। ये हमारी श्री राधा नाम, हमारी प्राण धारा, शायद यहाँ पे बंदर भी है। नंद भवन की छोटी सी गली जिसमें हम जा रहे हैं, मैया बहुत खुश हो रही है मेरी, और मेरे ठाकुर जी बहुत खुश हो रहे हैं। राधा 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 ही है चारों तरफ, दिखाई दे रहा है नंद भवन महल। ये मंदिर की चोटी है, राधे राधे हरे कृष्णा। ये नंद गांव है हमारा, मम्मी की फोटो ले भाई, घंटी भी दिखा यार थोड़ा। नंद गांव देखो कितना छोटे छोटे से घर बने हुए हैं, यहाँ पे गोपिकाएं हैं, प्यारे प्यारे से बंदर भी हैं, यहाँ पे प्यारे बंदर हमारे हैं लेकिन बहुत परेशान भी करता है। नीचे वो आंटी देखो उसका कुछ बना रही है, फूस की डलिया देखा, फूस वो फूस की कुछ डलिया जैसा कुछ बना रही है, अच्छा लग रहा है देखने में। हमने घूम लिया है, अभी हम वापस जा रहे हैं बरसाना। बरसाना से पहले सोच रहे हैं ले लिया सब सामान, ले लिया गोपाल को सब पकड़ ले लो, ठीक है। ये शनिदेव मंदिर अंदर कोकिलावन धाम, यहाँ पे शनिदेव भगवान जी का मंदिर है, जो जिसकी बहुत मान्यता है, कहते हैं कि यहाँ पे जो मांगो वो आपका विश पूरी होती है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, आज शनिवार है वैसे भी, अच्छे दिन पे हम आए हैं, अभी चल रहे हैं हम शनिदेव मंदिर के कोकिलावन धाम। और हम आ गए कोकिलावन, साढ़े चार बजे की टाइमिंग है बरसाना मंदिर के खुलने की, तो सबने सोचा कि पहले नंदगांव, फिर नंदगांव से अभी हम जा रहे हैं कोकिलावन, वहाँ पे दर्शन करते हैं कोकिला धाम जाके, उसके बाद हम लौटेंगे। आपको भी दर्शन करवाती हूँ, आपको भी खूब खूब आनंद मिल रहा होगा मेरे साथ घूमने में। वैसे भी पहले बरसाना घूमे, फिर उसके बाद हम नंदगांव गए, नंदगांव के बाद अब हम जा रहे हैं कोकिला धाम। तो भगवान की शरण में रहिए सदा, ठाकुर जी का स्मरण कीजिए, मैं यही कहती हूँ, स्पिरिचुअल होइए, गौ रक्षा कीजिए, गौ माता का सेवा कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, जितना भगवान का ध्यान करोगे उतना आपको प्रभु की कृपा होगी। तो यही कि ठाकुर जी की खूब खूब उनकी सेवा कीजिए। अभी चलते हैं हम बंदर राधे राधे। अभी हम कोकिलावन में आ गए हैं, कोकिलावन से पहले ही हमारी गाड़ी पीछे की साइड पर रुकवा दी है क्योंकि आज शनिवार है और ट्रैफिक बहुत है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मंदिर काफ़ी दूर है, बहुत सारा चलना पड़ेगा। चलते हैं, मम्मी कह रही है कि हाँ तो बहुत चलना पड़ेगा, थक गई है मम्मी, फिर वैसे भी चला नहीं जाता है, तो कोई बात नहीं, जैसी प्रभु इच्छा, थोड़ा चलते हैं इंजॉय करते हुए, राधे राधे बोलते हुए, थोड़ी दूरी पर है फिर आपको दर्शन करवाते हैं शनिदेव भगवान के। कोकिला धाम में हम प्रवेश करें, बोलो जय शनिदेव भगवान की जय, जय बाबा जी। ये सबने दंडवत प्रणाम की ले लिया है और मेरे ठाकुर जी को भी लेके जा रही हूँ। कोकिलावन मंदिर हमारे सामने है, आज शनिवार है तो काफी भीड़ हो रही है, पूजा सामग्री ले ली है, पहले हम पूजा करेंगे फिर उसके बाद हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। उन्होंने पूजन कर लिया है, अब पूजन के बाद जा रहे हैं।
चलो आया मान्यता है दिया जलाने की। कुणाल दिया जला रहा है और मम्मी भी दिए जला रही है। मैंने थोड़ा ठाकुर जी पकड़े हुए हैं ना, अभी उसके बाद मैं दिया जलाऊंगी। कुणाल पूरा स्ट्रगल कर रहा है अपना दिया जलाने में, फाइनली उसका दिया जल गया और अभी वो जोत जगा रहा है। देखो काफ़ी भीड़ हो रही है मंदिर में, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। शनिदेव भगवान की बहुत मान्यता है यहाँ पे। हमने आपको कोकिला वन घुमा दिया। कोकिला वन के हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए, मुझे यहाँ पे अच्छे से पूजा भी करी, पूजा भी कम्प्लीट हुई। मेरे ठाकुर जी को भी मैंने पूजा करवाई और यहाँ से हमने सामान लिया था। ठाकुर जी को भी कुछ फूल मिले हैं मंदिर में, उनको फूल दिए थे। डर लगा पिछली बार भी हमारे घर में ना, हमारा बहुत अच्छा दर्शन हुआ। शनि देव भगवान को जाती हुई हो तो क्षमा करना भगवान, सब आपकी इच्छाओं को पूरा करें, आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी करें। राधे राधे, भक्ति कीजिए खूब सारी। मिल जाए महलन की सेवा, देव तरसते रहते हैं। यहाँ मिलता नंद दुलारा, किशोरी के बरसाना के लिए मैं बहुत अपने प्राणों का त्याग कर दूं, मुझे बरसाना मिल जाए तो। बरसाने आते ही मेरी आत्मा के रोम रोम कड़ करना बस राधा श्री राधा श्री राधा नाम गाने लग जाता है। बरसाना धाम ही ऐसा है कि बस यहाँ की मिट्टी में ना रज बन के बस रह जाओ। मेरी राधा रानी की कृपा ही कुछ ऐसी है। तो हम बरसाना आ गए कीर्तिदा मंदिर। देखो
बोलो राधे 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 राधे। बरसाने आइए, बरसाने बरसाने आने का एक बार आनंद को महसूस कीजिए कि बरसाना होता क्या है, बरसाना क्या है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की खुशबू में ही एक अलग जादू होता है। राधा रानी की कृपा चारों तरफ यहाँ बरसती है। तो भाई अद्भुत नजारा मेरी लाडली का। राधे राधे। अरे प्यारो प्यारो बरसाना, स्वर्ग की सीढ़ी, गोलोक धाम जाने की सीढ़ी। हम जाएंगे पहाड़ी रास्ते से ऊपर अटरिया पे। राधे राधे, देखो गैयाओं के उपले कितने अच्छे से बनाए हुए हैं। यार कुंसी हो गई है, कितना खराब लग रहा है। नहीं टीका है, एक कुंसी है। काफी सारी भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो हम लोग भी बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी भी आई हुई है यहाँ पे। कुछ लोग मुझे देख रहे हैं कि ये ब्लॉग बना रही है, वीडियो बना रही है, क्या कर रही है, बट कोई नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। राधे राधे बोलो ऐसे। और श्री राधा रानी का नाम चारों तरफ है यहाँ पे बरसाने में, बरसाने की कुंज गलियाँ छोटी छोटी सुंदर सुंदर। और ये किस चीज़ की मशीन है पता नहीं। काफी सुंदर है देखो चारों तरफ। चलिए अभी जा रहे हैं हम मेन श्री बरसाना धाम के राधा रानी के मंदिर में। काफी अच्छा लग रहा है, दिव्य आभास होता है यहाँ पे, और राधा रानी की कृपा तो कड़ कड़ में बरस रही है। अभी हम चलते हैं। राधे 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 राधे। बरसाने का नजारा देखो कितना सुंदर है। प्यारा प्यारा मेरे में लग रहा है की बरस अपने शायद खरीद लेते हैं। मेरी करुणा मई सरकार बोलो राधे राधे, मेरी करुणा मई सरकार बोलो राधे राधे। अरे मम्मी मैं प्रसाद ले लिया, हम जा रहे हैं अब राधा रानी के दर्शन करने के लिए अंदर। चलो का मिलवो मिलवो 50 रुपये 135 रुपये 15। घूमती रहो। हाँ
तो अंदर चलेगा, तू सो गया, परेशान है हैं? परेशान पंडित जी की बगल में खड़ी है, क्या परेशानी की? आरती बढ़िया टाइम चल रहा है। राधे 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राधे 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 बोलो, श्याम 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 बोलो। मेरी राधा रानी मेरी आपके सर्वस्व अपना मैं उछावर कर दूँ, जल्दी बस राधा रानी वापस जल्दी से बुलाना, नहीं पाती हूँ। ये मेरी राधा रानी, बहुत अच्छा लगा बरसाने में आके, एक बार आप सब भी बरसाना धाम घूमिए और असली आनंद किसे कहते हैं वो जानिए। उसके ये जब आनंद मिल जाएगा ना, उसके बाद कोई दूसरी चीज़ का आनंद एंटरटेनमेंट मज़ा सब कुछ मतलब भूल जाओगे जब राधा रानी के चरणों में जब आ जाओगे, क्योंकि राधा रानी ऐसी कृपा करती है कि इनके धाम और इनके दर्शन इनके सेवा के अलावा कोई और चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा। हमारी राधा रानी बहुत करुणामयी है, करुणावान है, बहुत करुणा बरसाती हैं, इसीलिए इनको बरसाने वाली कहती है। राधा रानी की खूब खूब कृपा हो आप सभी के ऊपर, बरसाना आइए ज़रूर और ठाकुर जी की सेवा कीजिए, मेरे ठाकुर जी बहुत खुश हुए। राधे 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 बरसाने में आगे, मेरी तो अश्रुधारा बह गई बहुत बुरी तरीके से। क्या करूँ, राधा रानी को देख के ऐसे हो जाता है मेरा रोम रोम कड़कड़ना एकदम बहुत रोमांचक हो जाता है जब मैं राधा रानी को देखती हूँ। तो राधा रानी में ना थोड़ा विश्वास कीजिए, उनकी सेवा करके देखिए। राधा रानी के नाम में जो भाव है, श्री सुखदेव परीक्षित जी ने पता है उन्होंने राधा रानी का भागवत में नाम भी नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जब राधा रानी का वो नाम लेते थे तो राधा रानी का नाम लेते ही वो बेहोश हो जाते थे और कई दिनों तक उनको होश भी नहीं आता था इसीलिए। लेकिन श्रीमद् भागवत श्री से ही शुरू हुआ है, बरसाना आके बहुत आत्मा को शांति मिलती है। आप क्लब जाओ, डिस्को जाओ, पार्टी जाओ, ये सब जगह पे जाओ, लेकिन आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपकी सोल को। लेकिन एक बारी जब आप ठाकुर जी के सामने सर झुकाओगे, अपने आप को समर्पण कर दोगे, अपना सर्वस्व निछावर कर दोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि राधा रानी के सामने उन अपने आप को समर्पित करके कितना अपनी सोल को अपनी आत्मा को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, मतलब आनंद मिलेगा। जब आंखों से आंसू निकलेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि असली आनंद किसे कहते हैं जो राधा रानी के सामने आपके निकलेंगे। भगवान की भक्ति कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें अपना प्रेम भाव जागृत कीजिए, करुणामय बनिए, राधा रानी की कृपा के पात्र बनिए, सेवा कीजिए, गौ सेवा कीजिए। और जो हमारे प्राणी हैं, जानवर हैं, उन पे देखा कई लोग कितने बुरी तरीके से उनके ऊपर ऐसे अत्याचार से करते हैं, मरे पड़े रहते हैं तो उनको साइड भी नहीं करते हैं, उन पे एक बार सब पे कृपा करके देखिए, पता है उन सबका थोड़ा हेल्प कीजिए, राधा रानी बहुत खुश होंगी। छोटी छोटी चीज़ों से ही वो खुश हो जाती है, वो कभी ये नहीं कहती मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें करो, कभी नहीं कहती हैं। आप इतना सा भी करोगे ना, राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, आपको बहुत बहुत खुश करेंगी, खुश रखेंगी, खूब कृपा देंगी। बरसाने आइए और बरसाने आके मैं तो कहूँ यहीं बस जाओ, आपको बहुत खुशी मिलेगी बरसाने के, आपके आत्मा को बहुत शांति मिलेगी, सोल को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा जिसे कहते हैं। राधे राधे हरे कृष्णा। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो, और आप ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए और भगवान जी की खूब खूब सेवा कीजिए। राधे राधे।